दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसका साइज है 25x40 25x40 में पूरा मकान मैंने डिजाइन किया है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे होंगे, एक बेहतरीन सा डिजाइन मैंने यहाँ पर दिया है। साथ साथ साइड में यहाँ पर इनका ओपन स्पेस है, इसलिए विंडो दे रखा है। अगर आपका ओपन स्पेस नहीं है तो आप इन विंडोज़ को हटा सकते हैं। पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, ये प्लास्टर कलर का है। जैसे आप प्लास्टर करवाते हैं ना मकान में, तो वही कलर है, मैंने और भी कोई कलर नहीं दिया। वाइट और प्लास्टर कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखा है। तो पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे, 25x40 बेहतरीन सा प्लान जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने इस शोरूम लगातार, मैं हूं पवन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो न्यू न्यू मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप एक बार स्मॉल हाउस प्लान को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लगातार अपडेटेड वीडियो पाते रहें। तो आज का जो प्लान है ये देखिएगा बेहतरीन सा, आपके सामने मैं मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका और रियलिस्टिक व्यू समझ में आए। इसका बीम का जो डिज़ाइन है, इसके गेट के डिज़ाइन है, विंडो के डिज़ाइन है, इसका जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो भी आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो ग्रिल वगैरह बनी है वो कितने प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। विंडो वगैरह आप देख पा रहे होंगे, सारे पिलर पर पूरा मकान डिजाइन किया है। जैसा कि आपको पता है सारे मकान अब पिलर पर ही बनते हैं। वहीं पर बात करें स्लोप की, बीच में स्टेयर से इससे आप ऊपर जाएंगे, आगे आपका पोर्च का डिजाइन जो कि बहुत ही बेहतरीन मिलता है। इसी मॉडल को आज डिस्कस करेंगे 25x40 ओवरऑल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ओवरऑल देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, चारों तरफ इसका बीम लटका हुआ है, देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि छज्जा है इसलिए चारों तरफ बीम भी यहाँ पर डिजाइन है। तो पोर्च दो पिलर्स के बाद आपका बीम का डिजाइन, आगे ये पोर्च और उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों साइड बेडरूम है, दोनों साइड 12-12 फीट में बेडरूम, इसलिए दोनों तरफ दो गेट और एक एक विंडो दे रखा है, देखिएगा। तो आप चाहे इस तरह से एंट्री करें चाहे इधर से एंट्री करें, लेकिन बीच में सेपरेशन है। तो आगे आपको दो बेडरूम मिलते हैं, ये देखिए, और दोनों बेडरूम से अंदर आप एंट्री कर पाएंगे। अंदर जाते ही आपको यहाँ पर मिल जाता है एक आंगन, और इसके बाद ये आपका लेटेंट बाथ है, ये कॉर्नर पर एक और बेडरूम है, और ये आपका बड़ा सा किचन आपको मिलता है, इसमें दोनों तरफ वेंटिलेशन है, और इधर से स्टेयर से जाती हूँ टर्न होकर वापस आ जाती हूँ। तो बेहतरीन सा प्लान ये देखिए आपका बनकर रेडी होता है। चारों तरफ विंडो दिया है, जहाँ जहाँ सिर्फ जो बाथरूम है इस जगह पर, वहाँ पर बाथरूम की जगह मैंने विंडो नहीं दिया है, और पीछे साइड यहाँ पर क्लोज्ड है। तो ये देखिए कि चारों तरफ आपका विंडो मिल जाता है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। वहीं पर बात करें फ्रंट का, तो आपका फ्रंट का भी एलिवेशन आप देख पा रहे होंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको तीन बेडरूम से मिलते हैं, फ्रंट में दो और एक कॉर्नर पर, उसके बाद लेट बाथ और आपका किचन। वहीं बात करें आंगन में, स्टेयर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। लास्ट फ्लोर जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए कि चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और उस पर ये डिजाइनिंग मैंने क्रिएट की है। इधर पर पहला देखिए स्लोप टाइप का भी बीम आपका क्रिएट हुआ है, आपका रेलिंग और फ्रंट का जो पोर्च है उसका रेलिंग आप देख पा रहे होंगे, जो प्रॉपर तरीके से आपको बनकर रेडी होता है। एक बेहतरीन सा डिजाइन आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें स्मॉल हाउस प्लान को, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको कभी ना कभी बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।